नमस्कार गाइस, वेलकम टू माय चैनल कल्पिता 2629 चैनल में सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ फ़िश करी शेयर करूंगी। चटपटा फिश करी बनाने के लिए मैंने मसालों में ये लिया है कि हल्दी, 2 ग्रीन चिली, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और नमक, कलौची, अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा पेस्ट, थोड़ा सा धनिया और एक बारीक कटा हुआ टमाटर। और कढ़ाई को मैंने बिठा दिया है चूल्हे पर। इसके बाद कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका है, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी, मुझे जितना चाहिए उतना मैं ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। फिश को मैंने इस तरह से फ्राई कर ली हूँ। फिर मेरा तेल गर्म हो चुका है, फिर इसमें मैं दे रही हूँ कलौची। कलौची को थोड़ी देर फ्राई करने के बाद, थोड़ी देर भुनने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी बारीक कटा हुआ ऑनियन। ऑनियन को जल्दी पकने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करूँगी ताकि मेरा ऑनियन जो है जल्दी से पक जाए। अब मैं इसमें ऐड करूंगी हल्दी पाउडर। हल्दी देने के बाद अब इसमें मैं ऐड करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करूँगी क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा देने से जो कलौची का जो फ्लेवर है, ऑनियन का जो फ्लेवर है, वो ही ख़राब होता है। और इसमें मैं ऐड किया हूँ जीरा पेस्ट। जीरा को भी मैंने हाथों से पेस्ट किया है, ऐसा नहीं है कि जीरा का पाउडर यूज़ किया इसमें। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर। कश्मीरी रेड चिली पाउडर देने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी एक बारीक कटा हुआ जो ऑनियन टमाटर रखा था मैंने वो, लेकिन मुझे लग रहा है कम है इसलिए मैं दूसरा और एक यूज़ करूँगी इसमें, ये देखिए। उसके बाद मैं सबको अच्छे से मिलाती जाऊंगी और मैं कवर करके इसमें ऊपर नमक देकर मैं थोड़ी देर इसको पकाऊंगी, ये देखिए। और इसमें मैं 2 ग्रीन चिली ऐड करूंगी। उसके बाद मैं इसको फिर से अच्छे से मिलाती जाऊंगी और आज का जो करी है उसमें मैं ऑनियन को थोड़ा सा मुँह में लग जाए इस तरह से रखूँगी। अब मैं इसमें ऑनियन और टमाटर जल्दी से पकने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें पानी देकर मैं इसको और 2-3 मिनट तक मैं इसको धीमी आंच में धीरे धीरे कवर करके मैं इसको पकाऊंगी ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। आज का जो है मेरा दो मिनट मेरा हो गया है, ये देखिए धीमी आंच में। तो मेरा जो है मसाला थोड़ा बहुत पक रहा है, थोड़ा बहुत सॉफ्ट हो रहा है। तो आज का जो है ग्रेवी में ग्रेवी नहीं रखूँगी क्योंकि ये फिश पतला झोल करी है, तो इसलिए मैं ऑनियन को भी इस तरह से रखूँगी खाने में मुँह में लग जाए तो टेस्ट आता है। फ्लेवर आएगा सिर्फ कलौची और ऑनियन का फ्लेवर ही आएगा ज़्यादातर यहाँ पे। इस करी में इस तरह से मैं बनाती हूँ, मुँह में लगता है ऑनियन थोड़ा सा खाने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। पतला झोल करी होता है, बहुत ही टेस्टी होता है कतला फिश के साथ। ये देखिए मेरा ग्रेवी बहुत अच्छे से सूख गया है और मसाला भी मेरे अच्छे से पक गया है। तो फिर इसमें मैं ऐड करूँगी मेरा फ्राई किया हुआ 4 टुकड़ा फिश को मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगी। फिश को ऐड करने के बाद मैं मसालों को इसके ऊपर अच्छे से मैं मिक्स करते जाऊंगी और इसको मैं कवर करके रख दूंगी ताकि चारों तरफ से फिश के अंदर मसाला का जो टेस्ट है वो चला जाए। उसके बाद मैं इसमें जितना चाहिए पतला झोल जितना रखोगे आप उतना हिसाब से आप लोग इसमें पानी ऐड कर सकते हो। देखिए मैं इतना साइज में इतना तक मैं पानी ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करके 4-5 मिनट के लिए मैं और इसको अच्छे से पकाऊँगी ताकि मसाला अच्छे से पक जाए और तेल बाहर आना शुरू हो जाए। ये देखिए मेरा तेल थोड़ा सा बाहर आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें तेज करके ये देखिए झोल को मैं इस तरह से रखूँगी, फिर मैं इससे ज़्यादा और ज़्यादा नहीं सुखाऊँगी। फिर इसमें मैं धनिया पत्ता देकर, हरा धनिया देकर फिर 1 मिनट के लिए मैं इसको अच्छे से मिला के कवर करके फिर मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी। मेरा जो है 1 मिनट हो गया है, अब मैं ढक्कन खोल के इसको चेक करूंगी। ये देखिए मेरा हो गया है बिल्कुल एकदम अच्छे से, मेरा पक गया है मसाला अच्छे से पक गया है। तो फिर मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी, झोल को ज़्यादा इतना तक रखूंगी मैं, ज़्यादा नहीं सुखाऊंगी। अब मैं गर्मा गर्म दूसरे बाउल में इसको ट्रांसफ़र करूंगी। ये देखिए कितना अच्छा आया है और जो है ऑनियन मुँह में लगता है खाने में, बहुत ही टेस्ट होता है गाइस, बहुत ही टेस्टी ऐसा फिश करी झोल बहुत अच्छा लगता है। गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व कर सकते हो आप,
तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बेल की घंटी को प्रेस कर देना। अगर आप लोग ये इस तरह से करी बना के खा सकते हो और मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हो कि कैसा हुआ। चटपटा, ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए आप लोग इसमें और भी ज़्यादा ग्रीन चिली यूज़ कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, बाय बाय। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बेल की घंटी को प्रेस कर देना।